हेलो, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पेपर के सिंप्लेक्स मेथड एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। इसके दो लेक्चर पहले अपन डिलीवर कर चुकी हूँ मैं। सेकंड लेक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी बाय सिंप्लेक्स मेथड, उसको हम एक ही टेबल में भी कर सकते थे, लेकिन वो वहां रह गया था। लेकिन मैंने पीडीएफ के अंदर तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। मैं उसकी वन पेज की जो टेबल है एक ही साथ, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हम एक ही टेबल में बार बार सिंप्लेक्स टेबल को नहीं बना के एक ही में किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन है। तो ये पीडीएफ में देख लीजिए। आज हम सिंप्लेक्स टेबल से ही, सिंप्लेक्स मेथड से ही मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अपन इस मेथड से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि मिनिमम जेड इज इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री, एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू और माइनस टू एक्स थ्री प्लस टू एक्स थ्री, तो ये मिनिमम की प्रॉब्लम है और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि लेस देन और इक्वल टू में है। तो अगर यहाँ पर ये लेस देन है तो हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स लेंगे और इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जो है हम इसको पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनाएंगे। तो मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करेंगे, इस जेड को माइनस जेड ले लेंगे। तो माइनस जेड लेने पर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू और माइनस टू एक्स थ्री। उन्हें लिया है कि हमने कैसे नाउ कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो जेड स्टार ले लिया हमने इज इक्वल टू माइनस जेड के, तो मैक्सिमम जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस जेड इज इक्वल टू, इन सब के आगे हमने माइनस साइन लगा दिया। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारे बी सारे पॉजिटिव हैं या नहीं, तो वो सारे पॉजिटिव हैं। फिर हमने इनमें सब में स्लैक वेरिएबल ले लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर ली बेसिक सॉल्यूशन के लिए, और फिर जैसे लास्ट मेथड में किया था हमने सेम वो का वो मेथड इसमें अडॉप्ट करके और इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। एक ही पेज में हमने इसको सॉल्व कर लिया, सेम वही प्रोसेस है जो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर था। अभी हम इसमें एक यहाँ पर जैसे अभी अपन ने एक नई चीज ली कि वे मिनिमम की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें चाहे मिनिमम है मैक्सिमम हो और इनइक्वालिटी जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे ग्रेटर देन वाले हों। अभी तक जो लास्ट में हमने दो क्वेश्चन किए थे इसके पहले वाले में और इसमें, उनमें हमारे यहाँ लेस देन था, तो हम कुछ ऐड करते थे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा नया क्वेश्चन है कि मिनिमम जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर, जैसे ये वाला पोर्शन अगर इसका, ये वाला साइड अगर इसका ग्रेटर है तो इसमें से हमको कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन साइन को लाने के लिए। सेम यहाँ पर भी इसमें से हमें कुछ सब्सट्रैक्ट, पॉजिटिव सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें हमें ये सरप्लस वेरिएबल लेने, जब हमारा लेस देन था तो हमने उसमें स्लैक वेरिएबल लिए थे, यहाँ हम जो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे उनको हम सरप्लस वेरिएबल कहेंगे, वो वेरिएबल पॉजिटिव होंगे तभी ये हमारा होल्ड करेगा। तो पॉजिटिव वेरिएबल हमने लिए और उनको यहाँ से माइनस कर दिया तो यहाँ हमारा इक्वल टू आ गया। सेम यहाँ पर भी हमने वेरिएबल लिए और उनको सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ इज इक्वल टू बन जाएगा। इसमें हमें यहाँ लिखना जरूरी हो जाएगा कि एक्स वन एक्स टू और जो दो वेरिएबल लिए वो भी अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट तो पहले मिनिमम जेड है तो हमने इसको मैक्सिमम जेड बनाया जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैक्सिम जेड स्टार किया वो जो कि माइनस जेड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस जेड। फिर हम देखेंगे कि हमारे बीज पॉजिटिव है क्या, ये भी सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर
ये स्लैक या सरप्लस वेरिएबल जो हम ऐड करते हैं कांस्टेंट इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वेरिएबल ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके पहले हम इन बी को पॉजिटिव बनाएंगे। तो अगर हमारे क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर मान लीजिए -4 है तो और ये ग्रेटर का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ अगर बी माइनस का है तो हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -2x1 -x2 हो जाएगा और ये जो ग्रेटर का साइन है वो लेस का हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के पहले ये चेक करना होगा सबसे पहले कि हमारे बी जो है वो नॉन नेगेटिव हो या हमारे वैसे ही पॉजिटिव है। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव है, मिनिमाइजेशन को हमने मैक्सिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो अब ये 2x1 + x2 - s1 = 4 हमने नया वेरिएबल लिया है s1 जो कि पॉजिटिव है उसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर ये 4 आ गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में हमने -s2 कर दिया और = 7 आ गया। अब हम यह देखते हैं कि इसमें यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसमें हमारी बेसिक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही थी, लेकिन हम यह देखेंगे कि अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2x1 + x2 - s1 + s2 = 4 एंड x1 + 7x2 + 0 × s1 - s2 = 7 तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होती है। जैसे कि अपने देखो लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होती थी हमारी इस जगह, तो हमें बेसिक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारी यहाँ फॉर्म नहीं होगी। यहाँ क्या आएगा 2 1 - 1 0 1 7 1 1 0 और -1 मीन्स यहाँ -1 0 0 -1 मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। उन आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई इस इक्वेशन में यूज नहीं होता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए इसलिए हम पॉजिटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ -s1 + a1 = 4 कर देंगे और यहाँ -s2 + a2 = 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भी है ये कि इन एलपीपी लाइक दिस वेयर कॉन्स्टेंट्स हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, यहाँ तो ये ग्रेटर था इसलिए हमने ये सरप्लस वेरिएबल भी यूज किए, लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे। तो अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ माइनस आएगा इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे, और इक्वल टू है तो हमें क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को पहले हमें उसमें स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल के अंदर लेना है तो हम उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमें ऐड करने पड़ेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को। तो इन एलपीपी लाइक दिस वेयर कॉन्स्टेंट्स है ग्रेटर और इक्वल टू साइन बेसिस मैट्रिक्स इज नॉट ऑब्टेंड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, देयरफॉर एडिंग अ न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल, दीज वेरिएबल्स आर फिक्शीशियस एंड कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, इट्स ओनली अ डिवाइस टू गेट द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सो देयर सिंप्लेक्स मेथड मे बी अडॉप्टेड एज यूजुअल अंटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन। तो यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिंप्लेक्स टेबल एज एन एन व्हेन दे बिकम जीरो, ये मैं उस समय आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब यहाँ हमारा क्या हो गया 2x1 + x2 - s1 + a1 = 4, यहाँ पर a1 - s1 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, a1 जो है वो लेस होना चाहिए s1 के,
क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम ये थी हमारी ग्रेटर की, तो इसमें से हमको कुछ माइनस करना है, इसलिए तो ये इक्वल टू 4 हो गया। इसलिए ये कंडीशन आनी चाहिए कि a1 इज लेस देन s1 एंड a2 इज लेस देन s2, अदरवाइज द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम विल नॉट होल्ड। नाउ राइटिंग द अबव इक्वेशन अकॉर्डिंगली, 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस a1 प्लस 0 इंटू a2 इज इक्वल टू 4। फिर है x1 प्लस 7x2 प्लस s1 का कोफिशियंट है 0 आ जाएगा, s2 का -1 है, a1 का 0 आ जाएगा और a2 इज इक्वल टू 7। सारे x's s और a सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। नाउ टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, s1 इज इक्वल टू 0 एंड s2 इज इक्वल टू 0। हमारी बेसिस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ हमारा हम दो ही ले रहे हैं, मीन्स a1 और a2 ले रहे हैं। तो यहाँ a1 और a2, अच्छा साथ में एक चीज और रह गई, यहाँ पर लिखना भी रह गया कि जैसे हम ये सरप्लस वेरिएबल ले रहे हैं तो इसकी कॉस्ट हम 0-0 लेते हैं, जैसे कि हम स्लैक वेरिएबल की जो कॉस्ट थी वो 0-0 लेते थे, या हम इन सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट 0-0 ले रहे हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हम m लेते हैं और उसको हम -m लिखते हैं, m ले लेते हैं इसकी कॉस्ट, जो कि बहुत m एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो इसकी कॉस्ट हम -m यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने ले लिया, इसकी कॉस्ट यहाँ सबके लिख दी, ये वेरिएबल्स लिख दिए, ये कोफिशियंट मैट्रिक्स लिख दी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन रही है हमारी a1 और a2 से, तो हमने स्टार्टिंग में a1 a2 को बेसिक वेरिएबल ले लिया, इनकी कॉस्ट लिख दी हमने यहाँ पर, और ये हमारा -m, यहाँ हमको वो भी लिखना चाहिए था एक कि मैक्सिमम जेड जो है, एक मिनट मैं लिख देती हूँ कि मैक्सिमम जेड यहाँ जो कि जेड स्टार है वो हमारा होगा -x1, एक मिनट, -x1 -x2 प्लस 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 और -m a1 -m a2, ये भी लिखना होगा। -m किस लिए हो गया, क्योंकि मिनिमाइजेशन की थी उसको हमने माइनस में कन्वर्ट। तो ये हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट टेबल, सिंपलेक्स टेबल यहाँ हो गई। अब सेम वो का वो मेथड हमको यूज करना है जैसा कि हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में किया था। क्या मोस्ट नेगेटिव लिया नंबर हमने, उस कॉलम के हर एलिमेंट को हमने डिवाइड किया बी से, यहाँ मिनिमम रेशो लिया, मिनिमम रेशो जो भी आया उसको हमने डिपार्टिंग वेक्टर लिया या आउटगोइंग लिया, और इसको हमने इनकमिंग लिया, की एलिमेंट लिया, की एलिमेंट से हमने डिवाइड करके रो बनाई, फिर हमने बाकी की जितनी भी रोज थी वो बनाई, और हमारा लास्ट में जो सॉल्यूशन आया वो हमने यहाँ देखा। इसमें हमारा एक चीज और है कि जैसे यहाँ a1 और a2 है, अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हमारा आउटगोइंग a2 है, तो अब जब हम टेबल बनाएंगे तो हम ये वाला वेक्टर या ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसी तरह सेकंड स्टेज पे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला एंट्रिंग वेक्टर है, तो x1 अगर हमारा एंट्रिंग है और डिपार्टिंग अगर हमारा a1 है तो हम उसके बाद में a1 को नहीं लिखेंगे। तो जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 और x2 जो भी आएंगे हमारे, वो हमारे उसमें मीन्स जब जब हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल डिलीट होंगे हम उसके बाद उसको नहीं लिखेंगे। फिर ये सिंप्लीफिकेशन है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसको करके और हम ये आंसर निकाल लेंगे, x1 = 21/13, x2 = 10/13, जबकि यहाँ सारी चीजें पॉजिटिव आ जाती है। थैंक यू।